क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेटोस क्यों ब्लेड ऑफ ओलंपस को अपने साथ मिडगार्ड पर नहीं लाया, जबकि क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को मिडगार्ड पर अपने साथ लेकर आया है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ी ब्लेड ऑफ ओलंपस की जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसे ज्यूस ने बनाया सारे टाइटन्स को मारने के लिए और ग्रेट वॉर को ख़त्म करने के लिए, और ये ब्लेड ऐसा करने में कामयाब भी रही है। ब्लेड ऑफ ओलंपस हमें पहली बार तब दिखी थी जब क्रेटोस क्लोसियस से फाइट कर रहा था। तब ज्यूस ने क्रेटोस की मदद के लिए ये ब्लेड नीचे फेंकी थी, लेकिन ये सब असल में ज्यूस की एक चाल रहती है, क्योंकि क्रेटोस को उस ब्लेड को उठाने के लिए अपनी सारी पावर ब्लेड के अंदर डालनी पड़ी थी, जिससे क्रेटोस काफ़ी कमज़ोर हो गया और ज्यूस का ये चाल कामयाब रही। एंड ज्यूस क्रेटोस को दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो उसके लिए काम करे या मरे, लेकिन क्रेटोस अपनी मौत को चुनता है और ब्लेड ऑफ ओलंपस भी क्रेटोस से दूर चली जाती है। जिसके बाद फिर क्रेटोस फिर से पीछे उसी टाइम में वापस जाता है जहाँ पर ज्यूस उसे मार रहा था, और ज्यूस से ब्लेड ऑफ ओलंपस वापस लेता है, लेकिन ज्यूस वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये ब्लेड हमें गॉड ऑफ वॉर 3 में फिर से दिखाई दी, और गॉड ऑफ वॉर 3 में ब्लेड ऑफ ओलंपस की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। क्रेटोस ने इसी ब्लेड की मदद से ज्यूस और गायो को एक साथ हराया था, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये ब्लेड कितनी पावरफुल थी। लेकिन इतनी पावरफुल होते हुए भी ये ब्लेड हमें गॉड ऑफ वॉर 4 में क्यों नहीं दिखाई दी? और गॉड ऑफ वॉर 4 में ऐसे बहुत सारे पल या सिचुएशंस आई थी जहाँ पर क्रेटोस को इस ब्लेड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आखिरकार क्यों क्रेटोस अपने साथ ब्लेड ऑफ ओलंपस को मिडगार्ड पर नहीं लाया, जबकि वो ब्लेड ऑफ केओस को अपने साथ लाया है? तो इसकी कई सारी थ्योरियाँ हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में, जिसमें से पहली थ्योरी बताती है कि क्रेटोस ने ब्लेड ऑफ ओलंपस को नष्ट कर दिया था टियर की तिजोरी में। आपको याद होगा कि क्रेटोस ने एट्रियस को एक चाकू दिया है, ये कहते हुए कि उसने इस चाकू को बनाने में अपने घर की एक धातु और मिडगार्ड की एक धातु को मिलाकर इस चाकू को बनाया था, और वो घर की धातु ब्लेड ऑफ ओलंपस की ही हो सकती है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एट्रियस ने इस चाकू की मदद से ही थोर के बेटे मोदी को मारा था। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक नॉर्मल चाकू थोर के बेटे को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है, क्योंकि किसी भी गोट को गोट के बनाए गए वेपन से ही मारा जा सकता है। सेकेंड थ्योरी हमें बताती है कि जब क्रेटोस ने ब्लेड ऑफ ओलंपस से खुद को मारा था, तब उस ब्लेड की सारी पावर रिलीज हो गई थी। आप देख भी सकते हैं कि लास्ट में पावर रिलीज होने के बाद ब्लेड ने चमकना भी बंद कर दिया था, तो शायद इसी वजह से क्रेटोस ने फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो और उसी के एक टुकड़े की धातु से वो चाकू बनाया हो। और रही बात ब्लेड ऑफ केओस की, तो क्रेटोस उसे अपने साथ इसलिए लाया हो क्योंकि क्रेटोस उन ब्लेडों से बंधा हुआ है, वो चाहकर भी इन ब्लेडों को अपने से दूर नहीं रख सकता है। अब ये बात सुनकर आप में से कई लोग कहेंगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर गॉड ऑफ वॉर 2 एंड 3 में तो ब्लेड ऑफ केओस क्रेटोस के पास तो थी ही नहीं। तो इसका जवाब आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसके ऊपर एक अलग से फुल डिटेल वीडियो आएगी जल्दी ही। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आप अपनी थ्योरी को भी बता सकते हैं, हो सके तो मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूँगा। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देना इसी तरह की अमेजिंग थ्योरी के बारे में जानने के लिए। सो फिलहाल मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।